क्लाइमेट सेंटर के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में डूब जाएंगे दुनिया के ये बड़े शहर। लिस्ट में भारत के कोलकाता का नाम भी शामिल। क्लाइमेट सेंटर के एक प्रोजेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों को देखकर एक रिपोर्ट तैयार की है। बता दूं कि इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जल स्तर और बाढ़ की वजह से आने वाले 9 सालों में दुनिया के बड़े 9 शहर डूबने वाले हैं। यही नहीं तो इस लिस्ट में भारत के कोलकाता का नाम भी शामिल है। आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट जरिए ऐसी ऐसी बातें सामने आई है जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। तो क्या है वो पूरा मामला? रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है जिसकी वजह से ये 9 बड़े शहर डूब जाएंगे? क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, वजह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस भाई का भी नाम जान लो। हाय दोस्तों, दिस इज सिद्धार्थ, वेलकम टू माय चैनल सीट का चैनल। आपको इस चैनल पर इंटरेस्टिंग और बेहतरीन जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलो कुछ सीखते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट सेंटर के प्रोजेक्ट द्वारा तैयार गई इन रिपोर्ट में आने वाले कुछ सालों में इन शहरों का डूबने का खतरा है। इनमें पहला है एम्स्टर्डम द नेदरलैंड्स। द नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम और हॉज जैसे बड़े शहर कम ऊंचाई पर स्थित है। और आपको बता दूं कि ये शहर नॉर्थ सी के बेहद ही नजदीक है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस हिसाब से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये शहर डूब जाएंगे। इतना ही नहीं, कोई भी डैम बैरियर या प्लग गेट इन शहरों को नहीं बचा पाएंगे। इसमें दूसरा है न्यू ओरलींस अमेरिका। अमेरिका के न्यू ओरलींस शहर में नहरों और जलीय शाखाओं का जाल बिछा हुआ है। ये जाल न्यू ओरलींस शहर को बाढ़ से बचाता है। अगर ये सुरक्षा जाल नहीं होता तो इस शहर में पानी की तबाही मच जाती। वही अब कहा जा रहा है कि समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो इस शहर को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ेगा और आने वाले कुछ सालों में ये शहर डूब जाएगा। इनमें तीसरा है बसरा इराक। इराक ये शहर सत अल अरब नाम के बड़ी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये बड़ी नदी पारस के खाड़ी से मिलती है। वही कई सारे नहरों और बैकवाटर चैनल के जरिए ये शहर खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये शहर के आसपास काफी दलदल वाला इलाका है। अगर समुद्री जल स्तर बढ़ता है तो आने वाले कुछ समय में इस शहर को बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। वही बाढ़ भी आई तो इस शहर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ यही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में यह शहर नक्शे से खत्म हो सकता है। इसमें चौथा है कोलकाता, भारत। क्लाइमेट सेंटर के मुताबिक भारत के कोलकाता शहर में भी समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ बारिश के मौसम में हमेशा ही बाढ़ आती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जमीन में बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। इसके पास स्थित बड़ा डेल्टा वाला इलाका है। इसके वजह से आगे जाके इसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से रिपोर्ट में कोलकाता का नाम भी शामिल किया गया है। इसमें पांचवा शहर है वेनिस, इटली। इटली का वेनिस शहर पानी के बीच में बसा हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर को दो तरफ से खतरा है। पहला तो समुद्र का जलस्तर बढ़ना और दूसरा ये शहर अपने आप ही डूब रहा है। बता दूं कि हर साल ये शहर 2 मिलीमीटर नीचे धस रहा है। अगर समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ता है तो 2030 तक ये शहर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इसमें छठा है होचीमिन सिटी, वियतनाम। वियतनाम के पूर्व इलाके में बड़े शहर की ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा नहीं है। इस शहर को सबसे बड़ा खतरा मेकोंग डेल्टा से है। बता दूं कि इस डेल्टा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की आशंका है कि होचीमिन सिटी 2030 तक पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। तो दोस्तों, इन कारणों की वजह से आने वाले कुछ सालों में रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों को बहुत बड़ा खतरा है। आई होप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।